नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत करने से पहले हम एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके पास, जो विवादों के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है। गौर से देखिए इस वीडियो को। आचरण जो पहले था, हम नंगा भाग रहे, हम कर्ज क्या बोलते हैं उसका, एक बार था सिंह में जब पढ़ता था, एक चंडीगढ़ से आई लड़की, वो हमारे यहाँ की थी, चंडीगढ़ की नहीं थी, माफ करना, थी पहाड़ की पर चंडीगढ़ की से आई, श्रीनगर आई, अब उसके आप क्या बोलते हैं, कट क्या बोलते, पहली बार नया नया तो ऐसे दिख रहे थे लड़के उसको कि बस आ गई बंबई से है? कोई क्यों, और उसका कुछ दिन ऐसा मजाक बना, ऐसा मजाक क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो क्यों, अरे बदन दिखा रहे हो। अभी दो दिन पहले अपने एक वीडियो में विवादित टिप्पणी कर महिलाओं के प्रति उन्होंने जो संस्कार की बात की, उससे अभी विवाद थमा भी नहीं था कि एक और नया वीडियो तीरथ सिंह रावत का सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के एक वाक्य को याद करते हुए कहा कि चंडीगढ़ से आई हुई एक महिला ने छोटे कपड़े पहन रखे थे, जिसको लेकर पूरे श्रीनगर के लोग उस महिला के पीछे पड़ गए। हंसते हुए वो यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे पूरे श्रीनगर के लड़के महिला के पीछे ऐसे पड़ गए मानो मुंबई से कोई महिला श्रीनगर पहुंच चुकी हो। नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विवादित बयानों को लेकर पूरे देश में मानो विद्रोह पनप पड़ा है। चाहे वो बॉलीवुड की बात हो या फिर राजनीतिक हलकों की बात हो, जहां राजनेता उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं, उनकी इस टिप्पणी को गलत कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में काम करने वाली अभिनेत्रियां इस बात के लिए नाराज हैं कि तीरथ सिंह रावत आखिर क्यों महिलाओं के और लड़कियों के कपड़ों पर नजर रखे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कटी जीन्स, फटी जीन्स और छोटे कपड़ों को लेकर बयान को लेकर पूरे प्रदेश में हंगामा है। जहां उधम सिंह नगर में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहां जमकर नारेबाजी हुई और उसके विरोध स्वरूप लोगों ने घेराव किया। हल्द्वानी जेल को लेकर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर जेल अधीक्षक के विरुद्ध उसके ही अपने कर्मचारियों ने, जो कि तकरीबन 41 हैं, सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अधीक्षक के खिलाफ इस्तीफा देने के साथ साथ उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जेल अधीक्षक न केवल मनमानी कर रहे हैं बल्कि अपराधियों से वसूली भी कर रहे हैं, जिससे जेल का पूरा माहौल बेहद खराब होता जा रहा है, जिसको संभालने के लिए जरूरी कदम उठाने की जल्द से ही आवश्यकता है। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।